मेरे बेटे, मेरी प्यारी बेटी, उठो अहमद, उठो। शुक्र है आप सलामत हैं। इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं आप? अगर आपको कुछ हो जाता मुराद, क्या करता मैं? यहां से कहीं दूर जाना चाहता था। जो आवाजें मेरे जहन में गूंज रही हैं उसे खामोश करवाना चाहता था। खामोश हो गई वो आवाजें, उसे नहीं करवा सकते खामोश। एक बादशाह अपनी जिंदगी सुकून से गुजारे ये मुमकिन नहीं। चाहे वक्त अच्छा हो या बुरा, चाहे कितना ही बड़ा हादसा क्यों ना हो जाए, उसके बावजूद एक बादशाह अपने पैरों पर खड़ा रहता है, हालात का सामना करता है। मैं समझ रहा था कि मैंने सारे दुख झेल लिए, लेकिन वालिद, ये औलाद का गम हर गम से ज्यादा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा दम घुट रहा है। बहुत ज्यादा तकलीफ में हूं मैं। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मौत पर हक है, और मौत कभी इजाजत लेकर नहीं आती। मां बाप को औलाद से पहले मरना चाहिए, लेकिन इस महल के कायदे कानून कुछ और हैं। यहां वालिदैन से पहले औलाद चली जाती है मुराद, और मैं इस गम से वाकिफ हूं। आपको खुद को संभालना होगा, इस खानदान के लिए, सल्तनत के लिए। जो कुछ हुआ उसे भूल जाएं। अल्लाह आपको बर्दाश्त करने की हिम्मत दे। बखैर शहजादी। सिलहतार, कब तक चलेगा ये सब कुछ ऐसे? आप देखते तक नहीं, जरूरत ना हो तो बात भी नहीं करते मुझसे। हम एक ही छत के नीचे, कब तक ऐसे अजनबियों की तरह जिंदगी गुजारेंगे? सिलहतार, अगर कोई परेशानी है तो बताइए, हम दोनों मिलके हल करेंगे उसे। आपकी मदद करना चाहती हूं मैं। शहजादी, कई दिन से मैं सफर पे था, काफी थक चुका हूं। इजाजत दीजिए, आराम करना चाहता हूं। Thank you.
इजाजत है। मेरे आका, इस्मिया, मेरी प्यारी शहजादी, लाला सार ये आज रात मेरे पास रहेगी, तुम जा सकती हो। जो हुक्म आका, किसी भी चीज की जरूरत हो तो कनीजे बाहर खड़ी हैं और दाई भी। वालिदा सुल्तान, आपने मुझे याद फरमाया। आका को इस हाल में देखकर दुख हुआ मुझे। इतने अरसे तक वो कहाँ थे, मैंने पूछा लेकिन जवाब नहीं दिया उन्होंने। फिक्र की कोई बात नहीं है मलिका, वो तन्हा एक गार में कायम पजीर थे, औलाद का दुख उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मुझे भी इसी मसले पर बात करनी थी। लालाजार ने बताया मुझे, आयशा मरने से पहले तुम्हारे पास आई थी। तुम दोनों के दरमियान ऐसी क्या बात हुई थी? ऐसा क्या कहा था तुमने कि उसने अपने साथ साथ अपने दोनों बच्चों की भी जान ले ली? मलिका, सजाए मौत के फरमान की खबर हो गई थी आयशा सुल्तान को। इनकार किया मैंने लेकिन उन्हें यकीन नहीं आया। ये क्या कह रहे हो तुम? आका ने फरमान दिया था कि उन्हें मुल्क बदर करते हुए पहली मंजिल पे सजाए मौत दे दी जाए। मैं समझ रहा था यह बात मेरे अलावा किसी को नहीं मालूम, लेकिन क्या? किसने बताया? कैसे मालूम हुआ उसे? फारिया सुल्तान, मैं नहीं जानता कैसे, लेकिन उन्होंने फरमान देख लिया था और आयशा सुल्तान को खबर कर दी। आयशा सुल्तान के लिए उनके दिल में इतनी नफरत थी कि उन्होंने सोचा ही नहीं कि इसका अंजाम क्या हो सकता है। अब वो पछता रही हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। जिस दिन से वो महल में आई है एक दिन भी सुकून का सांस नहीं लिया हमने, और अब मेरे पोते और पोती की मौत की जिम्मेदार भी वही है। मलिका, मैं आपके गुस्से को समझ सकता हूँ, लेकिन एक दरख्वास्त है मेरी कि आका को इस मामले की खबर ना हो। उनकी हालत इस वक्त बेहतर नहीं। अगर उन्हें मालूम हुआ कि इसकी वजह फारिया सुल्तान है तो फिर उनका दुख मजीद बढ़ जाएगा। पुराने दिन याद कर रही हैं? काफी वक्त गुजारा है आपने यहां। इस महल ने सिवाय तकलीफ और गम के अलावा कुछ नहीं दिया मुझे। मुराद से दूर यहां अकेली रहती थी मैं। क्या मालूम इस महल में रहने वालों की तकदीर में ही ये लिखा हो। क्या सिलेतार भी सुबह मेरे जागने से पहले चले जाते हैं
और रात देर से लौटते हैं, उनका चेहरा तक नहीं देख पाते। हम दोनों के बीच ये रुकावटें समझ नहीं आता कब खत्म होंगी। वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान मत हो। और मुझे नहीं लगता कि वो आपसे दूर रह पाएंगे। तुम्हें ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। वो मेरे साथ हुजरे में रहना भी पसंद नहीं करते। दिन और रात अकेले ही गुजारती हूं मैं यहां। मैं बेबस हो गई हूं, यहां तक कि वो मेरी तरफ देखते तक नहीं। क्या किया था मेरे साथ, बताओ मुझे। ये तुम क्या कह रहे हो कासिम? मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी चाल में नहीं आऊंगा। कलीका खातून के घर में मैंने तुम्हें और गुलबाहर सुल्तान को देखा था। तुम लोगों ने मेरे सर पर कुछ मारा और उसके बाद मैं बेहोश हो गया। आंख खुली तो मैखाने वाले कमरे में था। तुम क्या कह रहे हो, ये तुम खुद नहीं जानते कासिम। लगता है जो अफीम तुमने पी थी उसका असर अब तक उतरा नहीं है। तुम्हारे दिल में मेरे लिए जो दुश्मनी है उसने तुम्हें इतना अंधा कर दिया है कि अभी भी तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। बेइज्जत, कासिम, बेइज्जत, ये तुम क्या कर रहे हो? ना करो, आगाओ, छोड़ो, आगाओ, आगाओ, आगाओ। हो रहा है यहाँ, कासिम, बेइज्जत। माफी चाहता हूँ मलिका, लेकिन इसने ऐसी बातें की कि मैं अपने आप पर काबू नहीं कर पाया। ये मेरी आंखों में आंखें डालकर झूठ बोल रहा है वालिदा। गुलबहार सुल्तान इस वक्त जिंदा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इन दोनों ने मिलकर आखिर हमारे साथ किस तरह की चाल चली है। गुलबहार सुल्तान कलीका खातून के घर में छुपी है। कलीका कौन है? बेनाम आगा के मैखाने में काम करती है। बेइज्जत की खुफिया मोहब्बत। तुम होश गवा बैठे हो मलिका, ऐसा कुछ भी नहीं। कासिम, अपने हुजरे में जाओ और मेरा इंतजार करो। जितना भी छुपाने की कोशिश कर लो कुछ नहीं होने वाला। तुम जो चक्कर चला रहे हो सबको पता चल जाएगा, सबसे पहले आका को। बेइज्जत, हकीकत जल्द या बदेर सामने आ जाएगी। कासिम जो कह रहा है अगर वो सच है तो मुझे बता दो, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा। बेइज्जत, अगर तुम्हारी वालिदा जिंदा है तो कुछ मत छुपाओ मुझसे। मलिका, कैसा कुछ मुमकिन होगा? कितने महीने गुजर गए और वैसे भी वालिदा की मौत की खबर आपने आके मुझे दी थी। कासिम सिर्फ और सिर्फ इल्जाम तराशी कर रहा है, मेरी तकलीफ और गम का मजाक उड़ा रहा है। कहवा खाने बंद करवाने के बाद आवाम मैं खानों की तरफ जाना शुरू हो गई। आका, वो लोग इस वक्त तरह तरह का नशा इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी वजह से काजीजादे उन्हें रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सेवा से अफंदी के मुरीद खलल डाल रहे हैं उनके काम में, और इन दोनों के बीच लड़ाई की वजह भी यही है मेरे आका। अगर हमने इस मसले पर नजरसानी ना की तो ये मसला हमारे हाथ से निकल जाएगा। हर दिन कोई नया हादसा पेश आ जाता था, काजियों के मुकदमों का फैसला करने का वक्त ही नहीं था। उन्हें क्या परेशानी है मैं खुद मालूम करूंगा, उन्हें खबर भिजवा दे आप। या अफंदी, उलमाओं का क्या सोचा? क्या उन उलमाओं की फहरिस्त तैयार कर ली है जिन्हें तैनात करना है हमें? कौसम सुल्तान के हुक्म से उन्हें तैनात कर दिया गया है। जैसा कि आपको मालूम है कि आप यहाँ नहीं थे और आप ही ने उन्हें सल्तनत की नायबा मुकर्रर किया था, इसी वजह से मुझे उनके फैसले में कोई हर्ज नजर नहीं आया।
सल्तनत की नायबा, वाकई मेरे आका, जब आप महल से गए थे तो एक अफवाह फैल गई थी कि आप दुनिया फानी से कूच कर गए हैं गुस्ताखी माफा का। हर तरफ फसाद शुरू हो गया था और बगावत काफी बढ़ गई थी, यहां तक कि आवाम महल के अंदर भी दाखिल हो गई थी मेरे आका। वो तो अच्छा हुआ मेरे आका कौसम सुल्तान हिम्मत के साथ आवाम के सामने बाहर आ गई। उन्होंने ही सबको तसल्ली दिलवाई कि वो अब नायबा हैं, जिसकी वजह से हंगामा खत्म हो गया और आवाम वापस चली गई। महमूद पाशा, क्या तुम्हें इस्तांबुल का महाफिज तय नहीं किया था मैंने? तो तुमने आवाम को रोका क्यों नहीं? आका, हमने सारी तदाबीर ली हुई थी, बल्कि हमने यह ऐलान किया हुआ था कि आप शिकार पर गए हुए, लेकिन समझ नहीं आया कि कैसे कुछ लोग फितने की आग लगाने में कामयाब हो गए। गलती पर शर्मिंदा होने की बजाय तुम ब्यासत पर इल्जाम लगा रहे हो। मुझे लगता था जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ उसे तुम्हारे होश ठिकाने आ जाएंगे। क्या माजी को भुला बैठे हो तुम? आपको मुझ पर यकीन क्यों नहीं आ रहा? गुलबहार सुल्तान जिंदा है। वो मर चुकी है कासिम। तुम एक शहजादे हो और बिला वजह किसी पर इल्जाम मत लगाओ। अगर आईंदा तुमने ऐसी कोई गलती की तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरे बेटे हो और तुम्हारा फैसला आका करेंगे। मैं ये साबित करूंगा। आगा, ब्याजत पर मुझे शक हुआ तो मैंने उसका पीछा करवाया। आप इसी से सुन लें। मेरी मलिका, शहजादे ब्याजत जैसे ही महल से निकले मैंने शहजादे को खबर कर दी और फिर हम लोग कालिका खातून के घर गए। क्या तुमने सिर्फ ब्याजत को देखा या फिर गुलबहार सुल्तान को भी? मैंने किसी को नहीं देखा मलिका। मैं शहजादे कासिम के साथ सिर्फ उनके घर तक गया था, लेकिन अंदर नहीं गया क्योंकि शहजादे ने मुझे वहीं से वापस भिजवा दिया। तखलिया, अभी भी आपको यकीन नहीं आ रहा ना, तो कालिका खातून से पूछ लीजिए। शुरू से वो इस जाल का हिस्सा है। हकीकत क्या है वो आपको सच बताएगी। हाजी, कमानकश को इस सूरत हाल से आगाह करो। उस खातून को ढूंढकर मालूम करो कि असल हकीकत क्या है। जो हुक्म आपका मलिका, मैं यहां आका का फरमान लेकर आया था। हमारे आका ने आपको याद फरमाया है। जब तक इस मामले की तहकीकात नहीं हो जाती तुम किसी से कुछ नहीं कहोगे। अब क्या हुआ जो आका मेरा इंतजार कर रहे हैं हाजी? आपका मुझे यहां बुलाना लगता है कोई अहम बात है। मैंने सुना है कि मेरी गैर मौजूदगी में आवाम महल के इर्द गिर्द जमा हो गई थी और आपने सल्तनत की नायबा की हैसियत से हालात संभाल लिए। क्या मैंने तायिन किया आपको? सबसे यही कहा ना आपने? आपने अवाम के सामने कसम भी खा ली, उनकी जान
और उनके माल की हिफाजत करने की। दीवान भी जमा किया और उलमा भी तैनात कर दिए। इसका मतलब है कि आपने मेरी गैर मौजूदगी का भरपूर फायदा उठाया वालिदा। अच्छा, तो आपकी गैर मौजूदगी का फायदा उठाया मैंने। बिल्कुल। तो क्या करती मैं? आपकी तरह छुपकर बैठ जाती और सल्तनत को सरबरा के बगैर छोड़ देती और इस हुकूमत को अपने हाथों से जाते हुए देखती मैं। आप अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटे थे। हम सब तो ये भी नहीं जानते थे कि आप वापस आएंगे भी या नहीं। आवाम दरवाजे पर थी और वो इस सल्तनत के बादशाह को देखना चाहते थे। खून की नदियां बह जाती अगर उन्हें रोका ना जाता। आपको इसी दिन का इंतजार था ना वालिदा? जब नायबा के ओहदे से हटाया तभी से इंतजार कर रही थी। ये चाहती थी आप कि मैं कोई गलती करूं और आप मेरी मदद करें उसमें। आप चाहती हैं आपसे पूछे बगैर कोई कदम ना उठाऊं मैं, ऐसा ही है ना? दरअसल हकीकत यह है कि आप मुझे बादशाह समझती ही नहीं है वालिदा। मुराद, आप क्या समझते हैं कि मैं आपको इस तख्त से हटाना चाहती हूं? तो ये आपकी गलत फहमी है। मुझे हुक्मरानी का शौक नहीं है मुराद, मैं तो बस आपका तख्त बचाना चाहती हूं और कुछ नहीं। बेशक आप इस सल्तनत के बादशाह हैं, लेकिन मेरे लिए आप मेरे प्यारे बेटे मुराद हैं। आप अपने मरहूम वालिद की निशानी है मेरे पास। बहुत प्यार करती हूं आपसे, बालातर हो हर चीज से मेरे लिए। आपका गुस्सा समझ सकती हूं, मगर मुराद, इस गुस्से को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बनाओ। आपको अपना हर कदम एहतियात से उठाना होगा। अगर ऐसा ना हुआ तो आपको तबाही से कोई नहीं बचा सकेगा, मैं भी नहीं। वालिदा, आप अपने हुजरे में जाइए और आज के बाद हरगिज भी ना ही सल्तनत में और ना ही सल्तनत के किसी भी काम में दखल दीजिएगा वालिदा। कमान का शागा, कलीका खातून का ये घर है। हर जगह तलाश करो। ये सब क्या हो रहा है आगा? आप लोग यहां क्यों आए हैं? कलीका खातून, कल शहजादे कासिम क्या यहां तशरीफ लाए थे?
जी तशरीफ लाए थे। शहजादे बयाजत के बारे में पूछा था, लेकिन मैं शहजादे बयाजत के बारे में कुछ नहीं जानती। फिर भी उन्होंने बहुत इसरार किया और हर जगह की तलाशी ली, और जब पता चला कि वो यहां नहीं है तो वापस चले गए। लेकिन शहजादे ने तो कुछ और बताया है कि उनकी मुलाकात यहां गुलबहार सुल्तान से हुई। क्या आप जानते भी हैं क्या कह रहे हैं आगा? गुलबहार सुल्तान की तो वफात हो गई है, सब जानते हैं। मेरी बात का यकीन कीजिए आगा, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती हूं। शहजादे बयाजत और आपके बीच क्या ताल्लुक है? कुछ भी नहीं, कोई ताल्लुक नहीं। बस मेरा और उनका एक ही बार आमना सामना हुआ था, वो भी मैखाने में। और जिस दिन आग लगी थी, लोग मैखाने में घुस गए थे, वो पहला और आखिरी दिन था। यकीन कीजिए मैं झूठ नहीं बोल रही। अंदर कोई नहीं है। ठीक है, बाहर इंतजार करो मेरा। दुआ करता हूं वो सच हो जो आपने कहा, वरना आपको अपने कहे हुए हर लफ्ज पे पछतावा होगा। मैं जब भी पाया तख्त से दूर जाता हूं, कोई ना कोई हादसा हो जाता है। अगर मैं दुश्मनों का खात्मा करता हूं तो मेरी वालिदा कोई गलती कर देती है। वालिदा सुल्तान ने जो किया वो आपको और आपकी सल्तनत को बचाने के लिए जरूरी था। मेरे ख्याल से इस मामले में गलती मेहमद पाशा की है। अगर वो अपना काम जिम्मेदारी से करते तो ऐसे हालात ना पैदा होते मेरे आका। और उनके मुतालिक मैंने कुछ बातें भी सुनी हैं। क्या सुना है? आपको मालूम होगा कि मेरे वालिद पाए तख्त आए थे तो उन्होंने बताया कि जब मेहमद पाशा बोसनिया में थे तो उनके खिलाफ काफी शिकायत थी वहां, रिश्वत की और सिफारिशात की। इस बात का कोई सबूत है या लोगों का इल्जाम है जो मेहमद पाशा को पसंद नहीं करते? मेरे आका, उन्होंने मेरे वालिद की दौलत पे भी कब्जा किया हुआ है, उन्होंने मुकदमा भी किया, लेकिन मेहमद पाशा मुकदमे से बाइज्जत बरी हो गए। उनके खिलाफ अभी तक कोई सबूत नहीं है, लेकिन आप अगर इजाजत दें तो इस मामले की मैं खुद तहकीक करना चाहूंगा। इजाजत है, तहकीकात करो। जो हुक्म मेरे आका। मसला जानते हैं आप लोग, आप दोनों की आपस की दुश्मनी से पूरा शहर परेशान हो चुका है। आप दोनों का काम लोगों को सीधा रास्ता दिखाने का है, तो फिर फसाद फैलाकर क्या साबित करना चाहते हैं? मेरे आका, हमें सिवासी अफंदी या इनकी दरगाह से कोई मसला नहीं और ना कभी होगा। मसला यह है कि हम लोगों को दर्ज देते हैं कि आपकी पाबंदियों पे अमल करें, लेकिन ये उसमें रुकावट बनते हैं। हम पाबंदियों के खिलाफ नहीं हैं, हम खिलाफ हैं उन लोगों के जो इन पाबंदियों का फायदा उठा रहे हैं। सजा देना सिर्फ उनका काम है जिन्हें हुकूमत ने मुंतखब किया है। लेकिन आपको तो इस बात से भी शिकायत है सेवासी अफंदी, मेरा कोई काजी किसी को सजा देता है तो उसके भी खिलाफ हो जाते हैं। हम इंसानों की फितरत कुछ ऐसी बनाई गई है कि जिस चीज को मना किया जाता है वो उस चीज को जरूर करता है, क्योंकि उसे अपने नफ्स पे काबू नहीं है बिल्कुल। इसीलिए जगह जगह फरमाया गया है कि अपने नफ्स पे काबू रखो,
लेकिन हम नहीं रख पाते, तो आप इन कम अक्ल लोगों से कैसे तवक्क रख सकते हैं क्या आपकी लगाई गई पाबंदियों को मुस्बत तरीके से लेंगे? अवाम को अगर हराम से दूर रखना है तो उसका हल ये नहीं कि आप उन पर पाबंदियां लगा दें मेरे आका। पाबंदियों की वजह से पायतख्त में काफी सुकून हुआ। हमारी आवाम कैवे खाने और तंबाकू नोशी से दूर हो गई, किसी को अब तलब भी नहीं होती। हाँ, लेकिन वो नशे के इतने आदी हो चुके हैं कि आवाम ने कहवे खाना जाना तो बंद कर दिया मगर मैं खाने भर दिए हैं। मेरे आका, ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि पाबंदियों के बाद हालात मजीद खराब हो गए। अवाम को तंबाकू नोशी की लत से रोका गया तो वो लोग अफीम की लत लगा बैठे, जिसकी वजह से वो अपने होश खो बैठते। अगर जल्द कुछ नहीं किया तो पाए तख्त में किसी की भी जान और माल महफूज नहीं रहेगी। कमान का शाह, तुम्हारी बात हुई, खातून मिली? कलीका खातून से पूछगछ की है मैंने, उन्होंने इनकार नहीं किया कि कल आप वहां गए थे और शहजादे ब्याजत के बारे में पूछा था। उन्होंने कहा कि जब वो आपको नहीं मिले तो आप वहां से चले गए। ये सब क्या हो रहा है? हर चीज पहले से सोच रखी थी। और गुलबहार? ये उन्होंने कबूल नहीं किया, लेकिन फिर भी मैंने हर जगह की तलाशी करवाई, वहां गुलबहार सुल्तान से मुतालिक कोई निशानी नहीं मिली। लेकिन उस खातून का रवैया कुछ अजीब सा था, शहजादे ब्याजत का नाम सुनकर उसका चेहरा लाल हो गया और हाथ पांव कांपने लगे। मुमकिन है कि उन दोनों के बीच कोई खुफिया रिश्ता हो और वो उसे छुपाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि गुलबहार सुल्तान जिंदा है मलिका। ठीक है, तो फिर उनकी कब्र खुलवाई जाए, क्या सच है क्या झूठ सब सामने आ जाएगा। हुलिया तब्दील करके रियाया पे नजर रखना, क्यों चोरी छुपे बातें सुनना। अगर आप ऐसा कर भी रहे हैं तो सब्र तहमुल का मुजाहरा कीजिए। अब्दुल मजीद से वासिया फंदी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन ना भूलिए कि मेरे सब्र की भी एक हद है। आखिर तुम ये सब कैसे कर सकती हो? आयशा को क्यों बताया वो सब कुछ? मलिका, मुझे मालूम नहीं था कि ये सब हो जाएगा। अगर जरा भी अंदाजा होता तो ये ना करती मैं तो सिर्फ आयशा को तकलीफ पहुंचाना चाहती थी। तुमने जो किया उसका हिसाब देना होगा। खैरियत तुम इस वक्त यहां, क्या हुआ? खैर नहीं है मेरे आका, एक बहुत अहम मसला है जो आपके इल्म में लाना जरूरी है। ब्याजत के बारे में निजाम आलम की चार शरायत हैं, हिकमत, इफ्फत, अदालत और जसारत। अगर एक बादशाह में इन चारों में से एक भी चीज ना हो तो सल्तनत खुद उसे हटा देती है, और ये मेरा तजर्बा है।